भी जी बाली पांचवे उत्तर पंचवाले पांचवा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पांच तत्व इन अकाली जीवों में भगवती ने भरती जो अपने मोह माया के जाल में फंस के अपने जीवों को जला सके ऐसा मार्ग बना दिए। छठे नारद जी महाराज इन इन काली जीवों का दुख दर्द जाके देवी देवतों की चैनी में बताते हैं और इनको सच्चे मार्ग पर चलने का रास्ता बताते हैं। सत्यमेव जयते सत्य की सत्या चेतन सत्या सती को सुइया जिसने अपने पति की सेवा करके ये वरदान दिया था और अगर सूर्य चढ़ने से उसके पति की डेथ होती है तो सती सुइया ने सूर्य को वही पे रोक दिया था। ये कथा में आता है भगवान ने सती सुइया की कथा सुनी होगी। सत्यमेव को सत्य की सत्या ऐसी सत्या जो इस संसार में जो प्रकट हुई है आई है तो उनका जिक्र इस कथा में है। अठवें अष्टपूजी मान आते हैं कि जब देवी देवता सत्य द्वापर त्रेता में हम यज्ञ किया करते थे तो उस वक्त जो राक्षस लोग थे वो उस हमन को प्रश्न करते थे भ्रमण करते थे तब उन देवी देवताओं ने भगवती माँ को याद किया कि माँ प्रकट होके इन पापियों का श्रृंगार करो। तब भगवती माँ ने आठ भुजों में शास्त्र पकड़ के उनका श्रृंगार किया। नौवें भुज नौवें नाथ कहते हैं इस संसार में नौ नाथ 84 सिद्ध भगवान जब ये प्रकट हुए हैं समय समय अनुसार जैसे बाबा बालकनाथ जी बाबा पटरी जी सो ऐसे नाथ सिद्ध जो इस संसार में प्रकट हुए नौवें भुज नौवें नाथ दसवें दस अवतार दसवां गुरु की कोई तरजोत ग्यारहवें भुज ग्यारह उधर शक्य भगवान जी के ग्यारह उधर बारहवें बारह मास कलयुग जीवों के लिए बारह महीने बन गए। तेरहवें जो तेरह रतनवा कहते हैं जब देवी देवताओं ने इस समुद्र को पृथक किया तो उसमें जो अमृत है वो देवी देवता ग्रहण करने के लिए तैयार हैं और उसके साथ जो जहर निकला है उसको कोई भी ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं है। तब शंकर जी महाराज ने वो जहर का प्याला अपने कंठ में धारण किया तो इसलिए शंकर भगवान जी को नीलकंठ के नाम से भव्य जन पूछते हैं। बोलिए जय माता की प्यार से बोलिए जय माता की। चौदहवें विद्याना धाम श्री रामचंद्र जी महाराज 14 का संपूर्ण है। पंद्रहवें जो 15 तिथियां जो अपने बड़े गुडेरों की जैसे हम श्रद्धों के रूप में उनको याद करते हैं मनाते हैं तो 15 तिथियां उनकी 16वें का संपूर्ण आप भगवती माँ 16 का संपूर्ण है। सजाया शेर बुलाया कहां चले हैं आधी रात माता मेरी आधी रात का वक्त है ब्रह्म मुहूर्त में भगवती मां अपने शेर पर पाखंड डाल रही है उसको सजाया जा रहा है। तब मां का लगे भी मां के पास आ गए कि मां आधी रात का वक्त तू कहां जा रही है। पक्ता ते मेरे आ गए रचाया उमा चलिया आधी रात लंगर लिया लंगर वीर आज मेरा सारी रात का जागरण इस परिवार ने अपने गृह में करवाया है। मैं उस जागरण पर जाके और भगवजनों की कृपा लेकर उनका जागरण संपूर्ण करना है। तो लगे भी कह रहा कि माँ हम भी आपके साथ चलेंगे हम भी देखिए वो कौन से भगवजन हैं जिन्होंने सारी रात आपका माँ का
जागरण करवाया है। तुम मत रहियो बालक मेरे, सेवक मेरे, तेरे पर होवा की सहायता। फिर भी चाचा ने भी बाबा की कृपा पैरों को साथ लेकर भगजनों के ग्रह में जने गौरव का जागरण संपूर्ण करेंगे। कहते हैं इस वक्त तक जो परिवार वहां का जागरण करवाता है सभी बात का, तो भगवती माँ साक्षात मंदिर में हाजिर होकर उस भगजन की बेटा स्वीकार करके उनका जागरण संपूर्ण करते हैं। बोलिए जय माता की। कैसे बोलिए जय माता की। तो माँ लंगड़ी के साथ खेतरबाग बाबा पैरों के साथ जागरण में आ गई। हंस हंस पूछती चोलियां वाली, क्या मेरी भेंट ले आया भक्ता मेरिया, तू मेरा सारी रात का जागरण करवाया है या मेरी की बेटा लेके आए हैं। तो ये परिवार माँ के चरणों में बैठा के माँ जो कुछ भी आपने इस परिवार को बख्शा है हमें उस उसने कमाई से माँ के चरणों में सब कुछ अर्पण करने के लिए ये परिवार माँ के चरणों में बैठा है। तुसी बेटा ले लो सारी माँ, तुसी बेटा ले लो सारी। जो सात्विक लोग होते हैं डेफिनेटली मन में वो संकल्प होता है कि सभी प्यार के साथ सो रहे हैं, तो उसमें कोई भी आके ऐसे बात करता तो एकदम टेंशन जाती है। तो पता है इन लोगों को जो बुजुर्ग है हमको सभी इन चीजों का, इसलिए हम भी ये चाहेंगे, मैं भी चाहूंगा कि आपको जितना समय है आपके साथ कथा सुन ले, उसके बाद फिर माँ का कीर्तन करके आप भी करेंगे। तुसी बेटा ले लो सारी माँ, तुसी बेटा ले लो सारी। जो कोई कृष्ण के मंदिर जाए तुलसी पात्र भेंट चढ़ाए। अगर कोई भगजन सच्ची श्रद्धा के साथ कृष्ण भगवान जी के मंदिर जाता जाएगा एक तुलसी के पत्ते अगर वो हम तोड़ के कृष्ण भगवान जी के चरणों में अर्पण करते तो प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, वरदान देते हैं। जो कोई शंभू के मंदिर जावे, अगर कोई भगजन शंकर भगवान जी के मंदिर जाता है बिलपत्री की भेंट चढ़ावे, जो पाठ के पत्ते होते हैं अगर वो सच्ची श्रद्धा के साथ तोड़ के भगवान जी के शंकर भोलेनाथ जी के चरणों में अर्पण करते तो प्रसन्न हो जाते हैं, वरदान दे देते हैं। जो कोई भगवती माँ के मंदिर आए पांच सुपारी ताजा नारियल माँ की भेंट ले आए, माँ इन चीजों की प्यारी जी तुसी बेटा ले लो सारी। अगर कलयुग में सच्ची श्रद्धा के साथ अपनी नेक कमाई से भगवती माँ के चरणों में आकर ताजा नारियल पांच सुपारी की भेंट माँ के चरणों में अपन करता तो कहते हैं उसको उतना ही पुण्य मिलता है जो सातयुग को अपरिता में भगवजनों को मिला करता। कलयुग में भगवती माँ ने भगवजनों के लिए इतनी सरल बेटा बनाई है और ऋषि महापुरुषों ने भगवती माँ की आराधना लिखी है। गुरबाणी में लिखा है कि एका माई जगतने परमाणु, एक संसारी एक पंडारी एक लाई दीवार कौन ब्रह्मा विष्णु महेश, एक संसारी एक पंडारी एक लाई दीवार जो पुष्पावे तबे चलावे जीव हुए प्रमाण देखे नजर न आवे बहुत है वरदान आदेश तीसरे आदेश सारी रात का मेरा जागरण करवाया मेरी बेटा लेके आए। हस हस पूछती चोलियां वाली माता मेरी, क्या मेरी भेंट ले आया पक्का मिलिया, क्या मेरी भेंट ले आया थोड़ा तो मैं मारे मारे जा पाना में पाते मैं भारे ग्रामा
क्या मेरी भेंट लाया भक्ता मेरे आपकी मां और चरावन फूलों के पाते पाना के पाते बच्चे ने शीश चढ़ाया अपना शीश भी मां के चरपों चरणों में अर्पण कर दिया। पांव पलट में शीश मलाया ताड़ना लाया हो रही है जय जयकार मंदिर बीच मां ने बच्चे का शीश पे ताते ना लगा दिया। तब रंगेर भी मां को उस वक्त कह रहे मां काली में ऐसे कौन से भगे जान होंगे जो अपना शीश काट के चरणों में अर्पण करेंगे और फिर उसको उसी उसके घर के साथ मनाएगी। कहते हैं उस समय में भगवती माँ काली की गर्भ होया करते थे और जेठे पुत्र की बलि चढ़ाया करते थे वो भगे जान और उस कोटि के वो महंत विद्वान माँ की अपत्यां बहना बोलकर भगवती माँ को बुलाया करते और माँ प्रकट होकर उस बच्चे को फिर सुरजित करती थी। ऐसा माँ का पथखंडे वाली वो धारती जो माँ का बालक और तब भगवती माँ ने कलयुग में ये बच्चों के लिए सरल भेटा बना दी। तो कलयुग में जो कोई भगजन माँ के चरणों में मेरी भेटा लेके आएगा धजा नारियल पान सुपारी माँ को वही कबूल होगी और माँ उनका जागरण और उनकी मनोकामना पूर्ण करेगी। बोलिए जय माता की। जय माता। इस वक्त तक इस परिवार का जागरण भगवती माँ ने अर्पण किया है जिन्होंने सारे आपका जागरण माँ के चरणों में करवाने का संकल्प किया था। माँ ने इनकी विचार लेकर इनका जागरण संपूर्ण किया। इसके आगे उन ऋषि मुनि की कथा है जिन्होंने माँ के मार्ग के बीच में आकर और माँ के मार्ग को आगे लेके गए हैं। उन ऋषि मुनि की कथा है। लिखिया तो आया दुर्गे सैंपदा देवा जी मेरे को रेहा पीना था तारो मैया लिखिया तो आया दुर्गे सैंपदा देवा जी मेरे को रेहा पीना था तारो मैया दिन तेरा ये दिन निकाले आ देवा जी कौन कौन आवे संगी थला तारो मैया ऋषि मुनि यज्ञ निरते ऋषि मुनि यज्ञ निरते ऋषि मुनि यज्ञ निरते ऋषि मुनि यज्ञ निरते पहाड़ा वाली जी का जोता वाली जी का ऋषि मुनि यज्ञ निरते ऋषि मुनि सोमपति मसयावारे ऋषियां ने जग निरजाया और पर सारे ऋषि बुलाए एक ऋषि न बुलाया और पर सारे ऋषि बुलाए एक ऋषि न बुलाया उस ऋषि का मान करियो मेरी ऋषि मुनि ऋषि मुनि ऋषि मुनि जगत के पहाड़ वाले जी का ऋषि मुनि जगत के कहते हैं एक कुछ छोटी विद्वान ऋषि मुनियों का मंडल बना हुआ है। उसमें कुछ कोटि के विद्वान ऋषि मुनि है सोग ऋषि जी भरद्वाज ऋषि जी दरवाशा ऋषि सब छोट के विद्वान महापुरुष ऋषि मुनि उन ऋषि मुनि को अपना कर्तव्य है
जंगलों में जाकर भगवती माँ का नाम स्मरण करने के लिए कपड़ा गोमा का दूध पीकर और जंगलों में जाकर ऐसे तूने लगाकर धूना उसके पीछे बैठकर तप करते थे, अपने शरीर को छुपाते थे, ऐसे कठोर तपस्या करते थे। ऐसा उनका नित्यनेम था और उस दिन का इंतजार कर किया करते थे कि जिस दिन सोमपति वापस वाला दिन आएगा सारे ऋषि मुनि इकट्ठे होकर भगवती माँ की पावन जोत जगाएंगे, भगवती माँ की जोत को भोग लगाकर सारे ऋषि मुनि अनहार करेंगे। ऐसा उनका निश्चय था, कर्तव्य था। कहते सोमपति वापस वाले रात बहुत समय मुक्तों के बाद आया करती थी और आती आती तो सारी ऋषि मुनि अपने अपने समाधि में ली है। क्या कहते हैं कि वो माँ जो पानी की प्यासी है उस ऋषि वन में चली आ रही है, उसको माँ ने आकर एक ऋषि के करमंडल में मुंह डाल दिया तो ऋषि की तारीफ हो गई। तो क्या देखा कि वो माँ ने करमंडल में मुंह डाला तो उसने अपने धुने से चिंता निकाल कर गौ माता को इस तरह शिष्कार दिया, डर के मारे गौ माता भागी जा रही है। दूसरे ऋषि ने की ताली खुल गई, क्या देख रहे हैं उस ऋषि के हाथ में चिंता पकड़ा है और गौ माँ भागी जा रही है इकट्ठे हुए। तो क्या बात है, ये गौ माँ क्यों भागी जा रही है? तो ऋषि कह रहे थे महाराज मैंने गौ माता को मारा नहीं है, उसने तब करमंडल में मुंह डाला और मेरी ताली खुल गई, मैंने उसको शिष्कार दिया। इस वक्त इतने वचन दूसरे ऋषि मुनि सुने एकदम क्रोधित हो गए, तू ऋषि नहीं तू वो चंडाल है जिस गौ माँ का दूध पी के ऐसी जंगलों में 12 साल तपस्या करे, आज वो भी गौ माँ हमारे घर में आई, हमारे गृह में आई, तूने इसको दुर्कारा है, शिष्कारा है, तू ऋषि नहीं तू तक वो चंडाल है। सब ऋषि मुनि ने विचार करके उस ऋषि को अपने मंडल से बाहर निकाल दिया, ये ऋषि हमारे मंडल में नहीं रह सकता। फिर समाधि में लीन हो गए और वो ऋषि जिसको अपने मंडल से बाहर निकाला है जंगलों में भटक रहा है, उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि जिस दिन सोमपति वापस वाला दिन आएगा ये सभी ऋषि मुनि इकट्ठे होंगे, मैं इनसे अपने अपमान का बदला लूंगा, इन्होंने मेरा निरादर किया है, मेरा अपमान किया है, मुझे अपने मंडल से बाहर निकालना है। समय के बाद सोमपति वापस वाला दिन आ गया। अब ऋषि मुनि भगवती माँ का जागरण जाने के लिए दूर दूर से ऋषि मुनियों के आश्रम में संदेशा भेजना शुरू कर दिया। कैसे? पीपल का एक पत्ता लेकर उसके ऊपर भगवती माँ का संदेशा लेकर माँ के जागरण का अपनी शक्ति के साथ उसको हवा में उड़ा देते हैं। जिस आश्रम में जाकर वो पीपल का पत्ता जो गिरता है तो ऋषि मुनि उसको उठाकर नमस्कार करते हैं, अपने मस्तक को उठाते हैं, धन धन हमारे भागे हैं, माँ का बुलावा आया है। दूर दूर से ऋषि मुनि उन ऋषियों के आश्रम में आने के लिए तैयारी कर रहे हैं। उन ऋषियों के आश्रम में भगवती माँ का सारी रात का जागरण होगा, वहां पे भगवती माँ के ज्योतों को प्रसाद भोग लगा के सब ऋषि मुनि अनहार करेंगे, ऐसा उनका मन में संकल्प है। अभी सभी ऋषि मुनि इकट्ठे होने शुरू हो गए। वो ऋषि जिन्हों जिसको मंडल से बाहर निकाला है वो जंगल में भटक रहा है, उसने क्या किया अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर दिया, एक पंछी का रूप धारण करके जंगल से एक मरा हुआ सांप अपने पांव में पंजों में पकड़ लिया और जागरण की तरफ उड़ानी मार रहा है। उन आया अपने पंछी का रूप धार आया, उस पंछी ने दगा कमाया, पीपल ऊपर आसन लगाया, वो पंछी का रूप धारण हुआ जो जी काला सर्प लेके पीपल के पेड़ पर आकर बैठ गया, जिसके नीचे भगवती माँ का हवि का प्रसाद की का प्रसाद तैयार हो रहा है। ऋषि मुनि की ड्यूटी है वो हवि का प्रसाद तैयार करने लगे हैं और आश्रम में भगवती माँ की ज्योत उज्जवल प्रचंड होने जा रही है, तो सभी नमस्कार करने के लिए ज्योत की तरफ जो ऋषि मुनि जा रहे हैं और जिन ऋषि मुनि की ड्यूटी लगी है वो भी नमस्कार करने के लिए जिस वक्त आश्रम वालों मुड़ते हैं तो उसी वक्त उस ऋषि को तैर गया। उसने क्या किया, उस पंछी ने दगा कमाया,
उसने आसा पासा देख के काला सर को लुट पाया। सारे चारों तरफ देख के उस ऋषि को मौका मिला और उसने काला सर और सभी के कुंड में गिरा दिया। जिस वक्त ऋषि मुनि भगवती माँ की जोत को भोग लगाएंगे, आहार करेंगे, सारे की मृत्यु हो जाएगी। ऐसे में इससे अपने अपमान का पता लगाएगा, इन्होंने मेरा आदर किया है। कहते हैं मारने वाले से बचाने वाला भगवान है। कौन देख रहा है? सोग ऋषि की कन्या शक्ति के रूप में छोटी चीज कन्या, 5 साल की कन्या अपनी आंखों से सारा कौतुक देख रही है कि ये वही पांची के रूप में ऋषि के फैक्स में काला सर्प उसने फैंका के अगर ऋषि मुनि आधार करके सभी की मृत्यु हो जाएगी। अगर मैं जाके ऋषि मुनि को बताती हूँ तो मैं बाली और समझते छोटी बच्ची समझते कहीं मेरे को श्राप ना दे दे, तो क्या कर रही है? भगवती माँ का स्वरूप उस कन्या ने अपनी देह को पट किया, एक चिपकी का रूप धारण करके कौटकली का रूप धारण उसी वृक्ष पर बैठ गई। जिस वक्त ऋषि मुनि वापस रवि के प्रसाद के पास पहुंचे तो उस कन्या ने अपने दोनों पांव के जो पंजे उसको भीगे दिया और रवि को विश्राम लगा दिया। किरली कराए जो पै गए देवा जी भोजन का होया खराब, ऋषिया ने बहुत दिया कन्या को दिता श्राप। जिस वक्त वो चिपकी उस कुंड में गिरती देखी तो एकदम श्राप दे दिया, ए नीचे ए पापड़ी तेरा पीला करवासा हो। हमने भगवती माँ की जोत को भोग लगाना था, तूने इसको कृष्ण किया है, श्राप दे दिया। तब वो छोटी सी कन्या पवन रूप होकर बोल आकाशवाणी पवन रूप में होकर बोल कह रही है कि ऋषिवर ए पिताजी मैंने आपकी जाने जाने के लिए अपनी जान दी है। सारी व्याख्या उन ऋषि मुनि को बताई कि सभी के कुल में काला सर्प है, अगर आप प्रसाद ग्रहण कर लेते तो सभी की मृत्यु हो जानी थी क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है। अगर मैं आपको बताती तो आप मेरे पर विश्वास ना करते, इस बात की संकेत बच्ची संकेत, तो इसलिए मैंने इस सभी के कुल में विश्वास लगाई है। ऋषि मुनि ने उस कन्या की आवाज को पकड़ लिया। जिस वक्त हवि का प्रसाद को या खुद के उसमें डाले हैं तो क्या देख रहे हैं नीचे काला सर्प है, हैरान हो गए। जिस कन्या ने हमारी जाने बचाई है हमने उसको श्राप दे दिया। अब वो कन्या उन ऋषि मुनियों को पूछ रही है कि ऋषिवर मेरे को बताओ कि मेरा उद्धार किसका होगा। तब ऋषि मुनियों ने इस कन्या को वरदान दिया, ए कन्या जो हमने तुम्हारे को श्राप किया वो अटल है और इसके साथ हम तेरे को वरदान भी हम दे रहे हैं कि जो तेरा जन्म होगा वो राजाओं के घर का होगा, राज महलों में होगा और जो तेरी पालना पोषण होगी वो भीलों के घर की होगी, तेरी बड़ी बहन तारा रानी होगी जिसका शासन करके अपने जीवन को सफल बनाएंगी। बोले जय माता की, प्यार से बोले जय माता की। उस कन्या ने जाके राजा स्पर्श के महलों में जन्म दिया। मंगलवार का दिन है, जिस वक्त कन्या का जन्म राजमहलों में हुआ तो उसी वक्त राजे ने अपने राजद्रोहों को बुलाया। राजेश्वर्ष कर कन्या जन्मी करने मंगलवार, राजेश्वर्ष कर कन्या जन्मी करने मंगलवार, सतपन तारु चुचलगा दसो वेद बचा, एक नया अब भाग निकली चैता में जन्मी करने मंगलवार। मंगलवार का दिन है, राजमहलों में उस कन्या का जन्म हुआ। राजा स्पर्श अपनी प्रजा के साथ भगवती माँ के चरणों में सारा भगवान की पूजा करता है और अपनी प्रजा के साथ उसमें पूरा समर्पित है, जिसकी बड़ी बड़ी लड़की तारा रानी है। तो राजा स्पर्श ने
तारा रानी की शादी राजा हरिचंद्र के साथ करके अपने महलों से विदा किया है। उन महलों में उससे कन्या का जन्म हुआ। राजपूतों को बुलाया कि महाराज इस कन्या का जन्म नाम देके बताएं, ये कन्या मेरे राजपाट के लिए कैसी है। तो राजे के राजपूत ने राजे को बताया कि राजा एक कन्या अपहागन के लिए कहना भी धमा, अगर ये कन्या तेरे राजमहलों में पड़ेगी तो तेरी कुल का सत्यानाश होगा। राजा हैरान हो गया कि महाराज ये आप क्या कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है राजा, जो आपको बताया जा रहा है बिल्कुल सही है, अगर ये कन्या तेरे महलों में पड़ेगी तो तेरी कुल का सत्यानाश होगा। कन्या मारना बड़ा पाप है, उसकी कुल नरक में जाए। कि महाराज मैं ऐसा भी कर्म नहीं कर सकता, किसी की हत्या नहीं कर सकता, कोई ऐसा पाप देखो कि जिस पर कन्या भी बच जाए और मेरा राजपाट भी बच जाए। तो राजे के राजपूतों ने विचार किया कि राजा एक उपाय हो रहे हैं। बोलिए महाराज, जितना दास है उसको ने अपनी बड़ी लड़की तारा की शादी में विवाह में दिया है, उतने ही हीरे मोती द्वार आप इकट्ठे करके एक चंदन का स्वरूप बना के उसके आसे पास जग बना के इस कन्या को संदूक में डाल के इसको नदी में उठा दे। जो भी राज में इसको पकड़ेगा इसकी पालना पोषणा भी हो जाएगी और कन्या भी बच जाएगी। तो राजे ने उसी तरह किया कि महाराज ये अपाम को ठीक कर गया, इससे कन्या भी बच सकती है। एक चंद्र का स्वरूप बनाया, आसे पास हीरे मोती द्वार आदि लगाकर उस कन्या को संदूक में डाल दिया और साथ में एक सागरा भगवान की मूर्ति सोने की छोटी सी जिसकी के राजा स्पर्श अपने राजमहलों में पूजा किया करता था, तो छोटी सी मूर्ति उसमें डाल दी और कन्या को नदी में उड़ा दिया। अब छोटी सी कन्या नदी में बहती जा रही है, भगवती माँ के साथ हीरे का नहीं कि माँ इस बालरी उम्र में छोटी सी उम्र में ये मेरे को कैसा दिन देखने को मिला है, तो माँ के साथ वो चेहरे का नहीं है